हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली फॉर द टेस्टनेट। आज मैं वीडियो लाया हूँ जीके मॉडल क्वेश्चन पार्ट 14 के। तो अगर आपने सारे वीडियो को नहीं देखे हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, जीके की हो, मैथमेटिक्स के हो, टेस्ट योर सेल्फ हो, तो सारे वीडियो ही टेस्टनेट के लिए, जितने भी वीडियो अपलोडेड है तो आप सारे वीडियो देख सकते हो। और कंप्लीट पीडीएफ अभी तक जिन्होंने नहीं लिया तो ले सकते हो, ओनली 399 रुपीज़ का, जिसके अंदर पीडीएफ, जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी प्रोवाइड हो जाएंगे, बुक सजेशन भी, प्लस मेरे यूट्यूब वीडियो जितने भी अपलोड होंगे वो देखते रहना, दो काम जरूर करना। अब कुछ लोग पूछते हो कि करंट अफेयर आप बाकी मंथ के कैसे दोगे, तो देखो जिस मंथ अभी जुलाई चल रहा है जुलाई तक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और बाकी सारे मंथ का मैं पर मंथ आपके ईमेल आईडी में भेज दूंगा, ठीक है, जिस ईमेल आईडी से मुझे मेल करोगे। तो पीडीएफ लेने के लिए मेरा मेल आईडी है, आप मेल कर सकते हो studysideeffect@gmail.com। तो पहला क्वेश्चन को देखेंगे जो कि इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ये सब बहुत ही ज़्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं अगर स्टैटिक से पूछे जाए तो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द गैस प्रेडोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें से ये भी क्वेश्चन रहता है, देखो दोनों ही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो लेकिन मैं फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रेडोमिनेंटली ये यही रहेगा। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट, तो ऑप्शन वन इज प्रेसिडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द सी रूट इंडिया, ठीक है, सी रूट कौन डिस्कवर किया था, बहुत ईजी सा आंसर है, पोर्तुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा एट द एडवाइस ऑफ द, प्रेसिडेंट अगर डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा एट द एडवाइस, किसके एडवाइस से, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, अप्रैल 7 को, तो इस तरीके भी क्वेश्चन देखे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। विच इज द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ग्रोथ, तो कौन सा इसमें से बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ग्रोथ है, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, तो सेकेंड पर कैपिटा इनकम ही सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ग्रोथ को माना जाता है। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, सीएसओ, कॉमर्स मिनिस्ट्री, तो ऑप्शन एक फाइनेंस मिनिस्ट्री। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन टू एन अचीवर इन द फील्ड ऑफ, किस पे दिया जाता है, सिनेमा पे, लिटरेचर, जर्नलिज्म, आर्ट, ये इस सब पे नहीं दिया जाता, ओनली सिनेमा पे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली इज, फ्यू सेलर फ्यू बायर, फ्यू सेलर मेनी बायर्स, मेनी सेलर फ्यू बायर्स, फ्यू सेलर वन बायर, तो ऑप्शन है फ्यू सेलर होते हैं, मेनी बायर्स होते हैं, जैसे कि कार इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, जैसे कि फ्यू सेलर रहते हैं ना, फ्यू कंपनीज है और बहुत सारे बायर्स है, तो वैसे ही होगा, तो मोनोपोली भी होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको डेफिनेशन की तौर से पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखना है इकोनॉमिक्स में खासकर। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, इसी तरह मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा, थैंक यू।